ये निशानी है कि ये जो हमारे टिंडे हो चुके हैं, बहुत अच्छी अमेजिंग स्मेल आ रही है और ऑयल जो छोड़ चुके हैं और जितनी स्लो हीट पे हमने इनको पकाया है, ये जो है ना और सारा मसाला भी भून चुका है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा, आपकी मर्जी है, आपने इसको देखिए पानी अभी भी मौजूद है, तो थोड़ा सा हम इसको ढक्कन हटा के अब भून लेंगे ताकि पानी जो है ना वो ख़त्म हो जाए और हल्का हल्का जो आपको थोड़ा मोटा टिंडा नजर आ रहा है उसको हल्का हल्का हम प्रेस करते रहेंगे इस तरह से, ताकि हिलाने से जो है ना वो पानी निकल आए। ठीक है, वैसे ये गल भी चुके हैं, ये देखें, ये मैं आपको दिखाऊं एक टिंडा तोड़ के, ये देखिए माशाल्लाह, तो ये गल भी चुके हैं और मसाला भी जो है ना अच्छी तरह भून चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ी हीट पे चूल्हा तेज करके भून लेंगे। तो ये देखें, ये पानी जो है हमें नज़र आ जाएगा कि ये पानी नहीं छोड़ रहे हैं, ये देखें पानी निकल रहा है अभी टिंडे के अंदर से। जैसे ही सारे टिंडों का पानी ख़त्म हो जाएगा तो हम इसको भूनना छोड़ देंगे, ठीक है, और तब ये सालन तैयार भी हो जाएगा। मगरिब की अजानें हो रही हैं तो इसलिए मैं वीडियो स्टॉप कर रही हूँ, दोबारा आपको भून के इसको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आप सबको शादोआबाद रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मसाला टिंडे। आमतौर पे भरे हुए मसाला जो है ना टिंडे आपने तो सुने और खाए होंगे, लेकिन जो मेरी रेसिपी है ये शायद ही आपको कहीं मिली हुई, ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त है। अब इसमें भरे हुए टिंडे चूँकि बहुत ज़्यादा मेहनत मांगते हैं, बहुत ज़्यादा हैक्टिक काम है, तो आजकल की बिजी रूटीन में मुश्किल है, तो इसका जो अल्टरनेट है ना वो आज मैं आपको देने जा रही हूँ, ठीक है। तो उसमें आपने बस ये छोटी सी ट्रिक है जिसको आपने सब ध्यान से देख लेना है और उसको ट्राई करना है, ठीक है। ये देखेंगे मैंने आपके सामने टिंडा जो है ना उसको कट लगाए, पहले तो मैंने टिंडे सारे धो लिए और फिर छील के धो लिया, ठीक है। तो अब मैंने इनको इस तरह से बारीक बारीक, ये देखेंगे स्लाइसिस जो है ना वो कट लगा ली है ऐसे, ठीक है, इस तरह से कि कट भी लग गए हैं और ये जुड़ा भी रहेगा। एक दो और मैं आपके सामने लगा देती हूँ, ये देखें इस तरह से बारीक आपने स्लाइस इसके कर देने कि ये जुड़ा भी रहे और हम इसके स्लाइसेस भी कर दें। तो बड़ा ज़बरदस्त, हर कोई हैरान होता है खा के कि ये इतना ज़बरदस्त यम्मी फ्लेवर, और जो भरे हुए टिंडे हैं उनका ये देखें, ये स्लाइसेस आपको अलग अलग नज़र आ रहे होंगे। तो इस डिश के लिए जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आपने टिंडों की सिलेक्शन जब करनी है या ख़रीदने हैं तो छोटे छोटे टिंडे लेने हैं, नरम और छोटे टिंडे। जितने टिंडे नरम होंगे उतनी ज़बरदस्त ये बनेगी रेसिपी, ठीक है। तो ये देखें इस तरह करके ये हमने हर टिंडे को ऐसे कट लगा लेने जी। तो हम बनाने जा रहे हैं टिंडे फूड के फ्लेवर के साथ जायके का तड़का, वो भी मेरे किचन में, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना प्याज मैंने लिए हैं 5 से 6, 4 सब्ज़ मिर्चें और 3 टमाटर, ठीक है। और ये टिंडे जो मैंने आपको दिखाए हैं काटते हुए, ये देखें इन सबको, टिंडों को मैंने ऐसे स्लाइसिस इनके निकाल लिए हैं, वॉश करके धोया है, काट के धोया है, ठीक है, और फिर नहीं काट के नहीं धोया, छील के इनको काटा है, छील के धोया है और फिर इनको काटा है, ठीक है। ये देखें इस तरह से आपने खरबूजे के स्लाइस की तरह इनके स्लाइस बना लेने सब के, ये होप्स हो के आप फोकस करके देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह से देखें हर टिंडा जो है ना वो हमने स्लाइस कर लिया है, ये देखें, ठीक है। तो अब हम करने के जा रहे हैं, बड़ी इंस्टेंट सी रेसिपी है, जल्दी पक जाएगी और ज़्यादा वो नहीं लगेगा। तो ये मैंने इस कुकिंग ऑयल में अभी थोड़ी देर पहले टेंडर पॉप्स फ्राई किए हैं,
तो इसी में मैं बनाऊंगी, क्योंकि इसके साथ जो इसका टेस्ट है ना वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा इसी ऑयल के साथ। तो सबसे पहले जो है ना हम इसमें सारा कुछ इकट्ठा ही ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम इसमें टिंडे ऐड कर देते हैं पहले। हाँ जी, स्मेल जो है ना वो सालन के अंदर चली जाएगी, तो ये सालन बहुत मजे का हो जाएगा, ठीक है। स्पाइस ऐड कर देंगे साथ ही, लहसुन अदरक का पेस्ट, स्पाइस जितने भी हैं आपने अपने हिसाब से रखने हैं, सिर्फ स्ट्रेटेजी को फॉलो किया करें, ठीक है। बाकी मसाले या इंग्रेडिएंट जो है ना वो आपकी अपनी रेसिपी के हिसाब से। तो बस अब साथ ही हम इसके ऐड कर देंगे प्याज, टमाटर और सब्ज मिर्च, रखकर हल्का सा हम इनको भूनेंगे, ठीक है। और उसके साथ ही हम इनको दम पे रख देंगे, हल्की आंच पे बनेंगे, स्लो फ्लेम पे। और ये जब हम थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको हिलाते जाएंगे तो इनका मसाला जो है ना वो यकजान हो चुका होगा टिंडे गलने तक, क्योंकि ये साबुत टिंडे हैं तो ये ज़्यादा टाइम लेंगे गलने में, ठीक है। जब तक टिंडे गलेंगे तब तक प्याज टमाटर जो है ना वो अच्छी तरह गल चुके होंगे, मसाले का हिस्सा बन जाएंगे। ये आपके ऊपर है कि आपने मसाला जो है ना बहुत को बिल्कुल ही मिक्सअप करना है या गलाना है या थोड़ा खड़ा रखना है, ठीक है। ऑयल भी आपके हिसाब से, जितनी क्वांटिटी में आपके मटेरियल है उसके हिसाब से आप डालेंगे। एक दफ़ा इतना इसको करेंगे तो कि सारे को हीट आ जाए, सारे टिंडे जो है ना वो हीट अप हो जाए एक दफ़ा, फिर हम इसको दम पे रखेंगे, ठीक है। और ये दम पे ही हल्की आंच पे पकेंगे। जब ये पक चुके होंगे तब हम इनको भूनेंगे और जो पानी इन्होंने छोड़ा होगा वो हम पुशअप कर लेंगे, ठीक है। तो ये अमेजिंग और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी, भरे हुए टिंडे खाने का शौक है जिनको वो भी शौक पूरा हो जाएगा। बस आपने ये ख्याल रखना है टिंडे का साइज छोटा हो, बड़े टिंडे भी पक सकते हैं लेकिन ज़्यादा अच्छा रिजल्ट छोटे टिंडे और नरम हों, ठीक है। तो अब दरमियान में इनको थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे और फिर इनको बाद में ढक देंगे हम। थोड़ी देर पकाने के बाद जब ये सारे टिंडे अच्छी तरह हीट आ चुकी होगी इनके, ठीक है। इस रेसिपी में ऑयल थोड़ा सा, चूँकि हमने इसको पकाना है लो फ्लेम पे और इन्हीं के पानी हम एक्स्ट्रा अंदर ऐड नहीं करेंगे, इसी पानी में जो ये छोड़ेंगे उसी में ये गलेंगे, प्याज का पानी, टमाटर का पानी, टिंडे का पानी, ये सारा इसी में पकेगा। तो इसलिए इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे और थोड़ा सा ऑयल की क्वांटिटी जो आप नॉर्मल सालन बनाते हैं उससे आपने ज़्यादा रखनी है इसमें। ये देखें, अभी हमने इसको दम नहीं लिया, थोड़ा सा कुक किया है वैसे ही, ठीक है। अब ऑलमोस्ट है ना सारे टिंडे जो है वो गर्म हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम इस स्टेज पे इसको, यानी ये बॉइलिंग पॉइंट पे है, ये देखें, तो चेक करेंगे अभी कि इनकी क्या कंडीशन है। 15-20 मिनट हो गए इनको चूल्हे पे, माशाल्लाह देखें क्या अमेजिंग जो है ना वो स्मेल आ रही है। क्योंकि हमने इसमें पानी का छींटा भी नहीं दिया तो ऑलमोस्ट पानी है ना इसका साथ के साथ ही ड्राई हो जाएगा। ये देखिए ये टिंडे के अंदर पानी कितना है, ठीक है। तो अब हर टिंडा अगर इतना ही पानी छोड़े, ये देखें जैसे जैसे ये गलते जाएंगे वैसे वैसे ये पानी छोड़ते जाएंगे, ठीक है। एक और ट्राई करते हैं, दिखाती हूँ आपको। ये हमने जो ही इसको प्रेस किया, देखें पानी बढ़ गया। तो हल्की आंच पे जो सालन है ना वो बहुत ही अमेजिंग बनता है, ठीक है। तो फिर से इसको ढक देंगे, ऑलमोस्ट 50% जो है ना ये गल चुका है। हमारे टिंडे हो चुके हैं, बहुत अच्छी अमेजिंग स्मेल आ रही है।
और ऑयल वो छोड़ चुके हैं और जितनी स्लो हीट पे हमने इनको पकाया है, ये जो है ना और सारा मसाला भी भून चुका है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा, आपकी मर्जी है, आपने इसको देखिए पानी अभी भी मौजूद है, तो थोड़ा सा हम इसको ढक्कन हटा के अब भून लेंगे ताकि पानी जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और हल्का हल्का जो आपको थोड़ा मोटा टिंडा नज़र आ रहा है उसको हल्का हल्का हम प्रेस करते रहेंगे इस तरह से, ताकि हिलाने से जो है ना वो पानी निकल आए। ठीक है, वैसे ये गल भी चुके हैं, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाऊं एक टिंडा तोड़ के, ये देखिए माशाल्लाह, तो ये गल भी चुके हैं और मसाला भी जो है ना अच्छी तरह भून चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ी हीट पे चूल्हा तेज करके भून लेंगे। तो ये देखें, ये पानी जो है हमें नज़र आ जाएगा कि ये पानी नहीं छोड़ रहे हैं, ये देखें पानी निकल रहा है अभी टिंडे के अंदर से। जैसे ही सारे टिंडों का पानी ख़त्म हो जाएगा तो हम इसको भूनना छोड़ देंगे। ठीक है, और तब ये सालन तैयार भी हो जाएगा। मगरिब की अजानें हो रही हैं तो इसलिए मैं वीडियो स्टॉप कर रही हूँ, दोबारा आपको भून के इसको दिखाती हूँ। तो ये है माशाल्लाह फाइनल लुक सालन की, ये देखें बहुत अच्छी तरह से गले हुए। ठीक है, मैं आपको अलग से निकाल के भी दिखा देती हूँ प्लेट में, ये देखें। ठीक है, ये अब हम इसको चम्मच के साथ, ये देखिए कितना ज़बरदस्त गला हुआ है। ठीक है, और इसका सालन को उसी को अगर देखें तो ये देखें इसने ऑयल छोड़ा हुआ है, ये बेहतरीन निशानी होती है कि सालन जो है ना वो भून चुका है। जितनी क्वांटिटी में आप डालते हैं साल, वो ऑयल बाहर आ जाता है सालन से। तो अल्लाह हाफिज़ अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान पे कायम कायम रखे और हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।